अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ना मैं गई थी लोकल मार्केट, वहाँ से ना मैंने कुछ सामान लेकर आया, सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो मैंने कुछ कलरफुल कंटेनर्स लिए, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। इसमें ना मैं हरा धनिया, हरी मिर्ची ऐसा ही कुछ रखूँगी, और एक लिया था मैंने नमक रखने के लिए, और एक स्पून लिया वुडन का, एंड चाय पत्ती शक्कर रखने के लिए मैंने ये दो कंटेनर लिए ब्राउन कलर के, बहुत प्यारे लग रहे मुझे। इसकी बॉडी जो है ना ऊपर से प्लास्टिक की है, लेकिन अंदर से ग्लास के हैं। और एक बॉटल धोने वाला ब्रश लिया है मैंने, मेरे पास नहीं था। और इसके अलावा मैंने ये लिया है रोटी रखने के लिए, जो रहते हैं ना छोटे छोटे नैपकिन्स, वो लिए मैंने। तो 5 का सेट है पूरा, ये 180 में मुझे मिला। तो ज़्यादा महंगी शॉपिंग नहीं थी वो, जस्ट ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग की, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला तो फिर मैंने ले लिया। और आते टाइम ही जो है ना मैंने हरा मसाला ले लिया था, सोचा कि ये भी डाल दूँगी। तो मैंने ना सारे कंटेनर्स में टिश्यू पेपर रखने हैं, उसके बाद इसमें हरा मसाला रखूँगी, मतलब कि हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची की। तो मैं डेंटल निकालती हूँ, तो फिर मैंने डेंटल निकाल ली हरी मिर्ची की, और बस इसी तरह से सारे मसाले अच्छे से सेट करके रखने, इजी होता है ना सब काम पहले ही करके रखे। तो ना मेरे पास हरा धनिया बहुत सारा है, तो थोड़ा सा मैंने कंटेनर में रख दिया पैक करके, और बाकी का मैं बताती हूँ आपको। पुदीना जो है ना आधा ख़राब हो गया, आधा अच्छा था, तो फिर अच्छा रखा है, और ख़राब वाला पुदीना फेंक दिया मैंने, मतलब कि काला पड़ गया था, पानी छोड़ रहा था पुदीना। और बस इसको रख दिया सेट करके। और ये रहा धनिया जो एक्स्ट्रा मेरे पास है, ये ना एक दिन पहले उसके डैडी लेकर आए थे, और जब मैं अभी गई थी तो फिर मैंने भी धनिया लिया, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि इन्होंने धनिया भी लाया है करके सब्ज़ी के साथ। फिर मैं अभी सोच रही थी कि मैं एक काम करती हूँ ना, कि मैं इसको इस तरह से पैक करके एक शॉपर में रख दूँ, और इंशाल्लाह कल इसके पराठे बनाएंगे। हरा धनिया के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रीज से ये सब्ज़ी निकाली है, सेबू की भाजी और पालक, ये दोनों ना मिक्स करके बनाऊँगी, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। एकदम सिंपल सा बनाऊंगी इसको, इसमें ना कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं इस भाजी में, मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर सिंपल बनाऊँ तो ज़्यादा पसंद है। इसके डैडी को ना टमाटर, प्याज और कुछ ऐसे मसाले डाल के जो ना इस भाजी को बनाओ ना, तो वो शौक से खाते हैं, लेकिन ना मैं सिंपल बनाऊँगी, ऐसे भी खा लेती हूँ लेकिन उनको वैसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ऐसे खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जो अभी बनाने जा रही हूँ तो आपको बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हरी मिर्ची और लहसुन ही डालनी है। और देखिए मैंने भाजी के साथ साथ आलू कट कर लिए थे, मोटे मोटे से ऐसे बड़े बड़े आलू रखे हैं, और बस तेल में मैंने लहसुन हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई कर लेनी है। आटा भी जो है ना मैंने मिक्स करके रख दिया है, रोटियाँ भी बनानी है, और यहाँ पर मैं भाजी जो है धो रही थी। और मेरा बेटा आया, बोला मम्मी क्या बना रही हो, मैंने बोली मैं भाजी रोटी बना रही हूँ, बोले मैं भी खाऊंगा। अब बोला तो है लेकिन नहीं, वो भाजी नहीं खाएगा, उसको ना कुछ दे दूंगी रोटी के साथ। अच्छा यहाँ पर देखिए भाजी धो के डाल दी मैंने लहसुन हरी मिर्ची में, और इसमें नमक डालना है। अच्छा लास्ट में ना इसमें मैं एक मैगी मसाला यूज़ करूँगी, बहुत अच्छी बनती है। मैजिक मसाला जो आता है ना वो नहीं डाला मैंने, जो हम नॉर्मल जो मैगी लाते हैं ना येलो वाला पैकेट होता है, उसमें देखे एक पैकेट होता है सिल्वर कलर का, तो मेरे पास एक्स्ट्रा था, वही मैंने डाल दिया, बहुत अच्छी बनती है मैगी। चलिए इसको ढक कर के पकाना है, क्योंकि इसमें आलू है उसे पकाना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बनानी है। तो पहला ना मैं सारे ऐसे पेड़े बना के रख लूँगी, और फिर क्या कि ईजी हो जाएगा ना, फिर फटाफट से सारी रोटी बना लूँगी। एक बार तवा जब गर्म हो जाता है ना, तो फिर रोटियाँ ना फटाफट से बना के सेकनी भी होती है। और मेरे हाथ को ना चटका लग गया था, तो मेरे को जलन भी बहुत दे रहा था, क्योंकि उसकी जो स्टीम होती है ना, रोटी बनाते हैं तवा गर्म हो जाता है, उसकी स्टीम जो है ना उस चटके पे लग रही थी ना, तो मेरे को और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो यहाँ पर बस बीच बीच में भाजी भी चेक कर रही थी मैं। वैसे पालक पकने को टाइम नहीं लगता, लेकिन आलू है ना तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रखती हूँ, मतलब कि लाइक जैसे पूरे टोटल 10 मिनट में भाजी पक जाती है, और रोटियाँ भी अभी बन रही है। एक्चुअली आज ना मेरे हाथ से थोड़ा सा आटा पतला हो गया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके बना ली मैंने, और माशाल्लाह रोटी अच्छी बनी, फूली भी है। नहीं तो कभी कभार ना रोटी मेरे हाथ से फूलती नहीं है, लेकिन बाय चांस कभी कभार फूल भी जाती है। तो ये देखिए मेरे बेटे को मैंने ना शेजवान चटनी दी, बोलता है कि मम्मी मैं चटनी के साथ खा लूँगा, तो इसको वो दिया है मैंने खाने। और मेरी बेटी स्कूल गई है सारा, आज फ्राइडे है, जोहान को नहीं भेजा। ये देखिए मैं आपको चटका बता रही थी, काला पड़ गया वो। तो ना यहाँ पर सारी रोटियाँ अच्छे से रख देंगे, और फिर मैं इसको पैक कर दूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए और रोटी गर्म रहे। आज फ्राइडे है, आज खाना नहीं बनाऊँगी मैं,
भाजी रोटी मैंने बना ली हूँ, और अभी मैंने जस्ट प्लेटफॉर्म भी थोड़ा क्लीन कर दिया। और ना मैंने कल पुलाव बनाया था मटन का, तो ये देखिए ये भी बचा हुआ है। और अभी भाजी रोटी तो बन गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं तो मेरे घर में ना जुम्मा के दिन स्पेशली दाल गोश बनता है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और भी अच्छा बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर दाल गोश बनता है वैसे। बट आज नहीं बनी, आज है पुलाव भी है, इतना सारा भाजी रोटी बनाई हूँ मैंने, तो फिर आज खाना नहीं बनाऊँगी, रात में ही डायरेक्ट कुछ अच्छा सा बना लेंगे। तो मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने सिर्फ भाजी रोटी खाई है और पुलाव को जो ना गर्म करके रखा है। और यहाँ पर देखे मैं ना शीट्स लगा रही हूँ, आज मैंने ना शीट चेंज करनी थी बेड की। और मैं ना शीट्स के जो साइड की जो बॉर्डर होती है ना वहाँ पर लास्टिक लगाती हूँ, तो फिर मेरे को ईजी हो जाता है इस पर कवर चढ़ाने मैट्रेस पे। पता नहीं मुझे ये बेडशीट इतनी क्यों पसंद, बहुत पसंद है एक्चुअली ना। इसका कलर जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉफ़ी कलर। तो मेरे बेटे को देखे मैंने तैयार कर लिया है, कुर्ता पहना है इसने, इसके डैडी के साथ जो है ना अभी नमाज जाएगा। उसके डैडी भी वही बोल रहे हैं कि जल्दी से कर दे ही ना ताकि मैं जाऊँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा नमाज़ पढ़ने। तो बस ये रेडी हो गया है, और फिर मुझे भी जुम्मा की नमाज़ पढ़नी है, तो पहला ये जाए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। ये रहे दो न्यू कंटेनर, चाय पत्ती शक्कर रख रही हूँ उसमें, और जो पुराने वाले हैं मेरे ये इनको भी यूज़ करूँगी, इसमें भी कुछ ना कुछ तो रख ही दूँगी।